मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ, कनाडा नहीं पहुँच सका। बहुत सख्त बर्फ़ानी तूफ़ान है और हम इसमें ट्रैप हो चुके हैं। अब हम निकलते हैं और कनाडा बॉर्डर पर जाने की कोशिश करता हूँ। चलें जी, हम कनाडा में एंटर हो रहे हैं। लेट्स सी, यूएस साइड से हम निकल गए और ये रेनबो ब्रिज है, इसके बिल्कुल सामने फॉल्स है जो कभी नजर नहीं आ रहा, वो बना सकती हैं आप। $5 वैसे टोल फी है, लेकिन आज हॉलीडेज की वजह से मेरे ख्याल से वो भी नहीं है। हम ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं कनाडा में। मेरी ये पहली रोड क्रॉसिंग है, बड़ी आसान क्रॉसिंग थी, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे होंगे हार्डली। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फॉल्स, नियाग्रा फॉल्स, और फिर उसके बाद हमने टोरंटो जाना है। मैं नियाग्रा फॉल्स कनाडा पहुंच गया हूं और ऐसा लगता है कि नियाग्रा फॉल्स कनाडा में नहीं बल्कि इंडिया में। इतने ज़्यादा इंडियंस हैं इधर कि बंदा परेशान हो जाता है सोच के यार। लिटरली यहाँ के लोकल्स बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन इंडियंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सर्दी बहुत ज़्यादा, लेकिन उतनी नहीं है जितनी न्यूयॉर्क में थी या जो -20-30 गया हुआ था, उतनी नहीं है। अभी हार्डली -7 होगा, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है, जम गया हूँ सब। ये कैनेडियन फॉल्स हैं और इनके बिल्कुल हट के आप वो जो देख रहे हैं वो अमेरिकन फॉल्स है। 2 साल में मैं यहाँ 3 दफ़ा आ चुका हूँ। मैंने तकरीबन सारे मौसम देख लिए हैं, सर्दियों में भी आया हूँ, गर्मियों में भी, और ये तो एक्सट्रीम वेदर है। आधा घंटा नियाग्रा फॉल्स पे गुजारने के बाद मुझे लगता है कि नियाग्रा फॉल्स इंडिया में नहीं बल्कि पंजाब में है। बहुत ज़्यादा पंजाबी हैं, सिख खासकर, और उसके अलावा देसी बहुत हैं, पाकिस्तानी, इंडियन। लोकल मुझे गोरे बहुत कम नज़र आए हैं, सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं, फिर चाइनीज़ नज़र आते हैं। तो ये हम ही हैं जिनने दुनिया आबाद की हुई है। बड़ी मेहनत से इस दफ़ा मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। Thank you.